नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। भारत माता की जय नहीं बोलने पर विधायक निलंबित। भारी हंगामे के बीच AIMIM के विधायक वारिस पठान को महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने भारत माता की जय का नारा लगाने से इनकार कर दिया था। सदन ने सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित किया। इस प्रकरण से उनकी पार्टी ने इस नारे को लेकर जिस विवाद को हवा दी है, उसके और भड़कने का अंदेशा है। इससे पहले पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि अगर उनकी गर्दन पर छुरा भी रख दिया जाए, तब भी वो भारत माता की जय का नारा नहीं लगाएंगे। इसी रो में बहते हुए पठान ने भी कहा कि वो जय हिंद कहेंगे, लेकिन भारत माता की जय नहीं कहेंगे और इस तरह की कोई बाध्यता नहीं हो सकती। जोगी सरकार ने दिया था नक्सलियों को संरक्षण, स्वामी चिन्मयानंद। वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की सरकार ने राज्य में नक्सलियों और ईसाई मिशनरियों को संरक्षण दिया था। स्वामी चिन्मयानंद ने कहा कि यदि यहां वर्ष 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी होती, तो ये राज्य नक्सलियों और ईसाई मिशनरियों के कब्जे में होता तथा ये भी पूर्वोत्तर राज्यों की तरह उपद्रवग्रस्त प्रांत हो जाता। भाजपा नेता ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद यहां तरक्की हुई है और दुनिया में देश की छवि गौरवशाली राष्ट्र के रूप में सामने आई है। यहां की बेहतर नीतियों की वजह से दुनिया भर के निवेशक यहां निवेश करने के लिए आते हैं। आधार बिल लोकसभा में पास, राज्यसभा के संशोधन खारिज। संसद ने आधार के जरिए कल्याण योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक सीधे पहुंचाने वाले विधेयक को बुधवार को मंजूरी दे दी। सरकार की ओर से धन विधेयक के रूप में रखे गए इस विधेयक में राज्यसभा ने 5 संशोधनों के साथ लोकसभा को लौटा दिया। बाद में लोकसभा ने इन संशोधनों को अस्वीकार कर दिया। इससे पहले लोकसभा आधार विधेयक 2016 को शुक्रवार को पारित कर चुकी थी। राज्यसभा में वित्त मंत्री जेटली ने इसे पेश किया। राज्यसभा में विपक्ष ने इन संशोधनों में राष्ट्रीय सुरक्षा की जगह सार्वजनिक आपात स्थिति और सार्वजनिक सुरक्षा शब्दों को समाहित करने सहित मत विभाजन के जरिए 5 संशोधन विधेयक में समाहित कराए थे। इन संशोधन में आधार को स्वीकार करने की बाध्यता को भी हटा दिया गया था।